गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय डियर सर, आज हम लोग क्लास 5-6 में साइंस चैप्टर 5 का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट का वीडियो पहले आपके सामने जा चुका है, आज हम लोग सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। तो सेकंड पार्ट में हम लोग को जो पढ़ना है वो है मेथड ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड। तो मैं इसमें कहता है कि जो अघुलनशील हो ठोस, उसको अलग करने का तरीका क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। तो इसमें हम लोग इस चैप्टर में है आपका मूल रूप से सेडिमेंटेशन एंड डेकेंटेशन, लोडिंग एंड फिल्ट्रेट। तो इस ये है क्या, इसके बारे में जानते हैं। तो आप सबसे पहले समझिए सेडिमेंटेशन एंड डेकेंटेशन, यानी सेडिमेंटेशन इज द प्रोसेस इन विच हैवियर पार्टिकल ऑफ ए इनसॉल्युबल सॉलिड इन अ लिक्विड सेटल डाउन। सेडिमेंटेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस जो होता है वो लिक्विड में, मतलब जैसे कि पानी में कोई जैसे बालू, वो क्या होगा, नीचे जाके बैठ जाएगा। ये प्रक्रिया हो गया आपका सेडिमेंटेशन का। अब है इफ अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर इज अलाउड टू स्टैंड अनडिस्टर्बड फॉर सम टाइम, द सैंड विल सेटल डाउन एंड सेडिमेंट द अपर क्लियर लिक्विड दैट रिमेन अबव द सेडिमेंट इज कॉल्ड सुपरनेटल। दिस लेयर कैन बी रिमूव्ड विथआउट डिस्टर्बिंग द सैंड एट द बॉटम बाय ए प्रोसेस कॉल्ड डेकेंटेशन। अब देखिए वह प्रक्रिया अभी बताए हैं जिसमें कि मान लेते हैं कि एक गिलास में बालू और पानी लिए, उसको कुछ देर तक छोड़ देंगे, उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्या होगा, वो बालू नीचे बैठ जाएगा। और उसमें क्या करेंगे कि बालू जब नीचे बैठ जाएगा अच्छा से, तो पानी को आराम से हम निकाल लेंगे, और इससे क्या होगा कि बालू और पानी अलग हो गया। तो ये प्रक्रिया क्या हो गया, डेकेंटेशन। अब हम लोग आते हैं इसके दूसरे सेपरेशन में, जैसे लोडिंग। तो लोडिंग कहता है सम टाइम्स इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट सेटल और टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू सेटल डाउन ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन। दीज पार्टिकल्स कैन बी मेड हैवियर सो दैट दे सेडिमेंट क्विकली। द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन ऑफ इनसॉल्युबल फाइन पार्टिकल बाय मेकिंग देम हैवियर इज कॉल्ड लोडिंग। लोडिंग होता है वह तरीका, जैसे कि कभी कभी कोई आपका ठोस जल्दी बैठता नहीं है, मतलब पानी में मिला हुआ है कोई सॉलिड, तो वो जल्दी सेटल नहीं हो पाता है। उसी को जल्दी सेट करने का जो तरीका है वो क्या होता है, उसी को लोडिंग बोला जाता है, मेथड है ये। तो इस मेथड के अंतर्गत जल्दी से सेपरेशन हो जाता है। अब आइए फिल्ट्रेशन की तरफ। द प्रोसेस बाय विच टू सॉल्यूशंस आर सेपरेटेड बाय पासिंग द मिक्सचर थ्रू आउट ए फिल्टरिंग डिवाइस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। अगर कोई दो सॉल्यूशंस एक साथ मिल गया है तो उसको हम लोग छानने छान करके जो अलग करते हैं, जैसे एक एग्जांपल बताते हैं, जैसे हम लोग चाय बनाते हैं, तो चाय पत्ती चीनी और चाय का जो छानने का तरीका है, तो ठीक उसी तरह से वो चाय का छानने का तरीका क्या होगा आपका, फिल्ट्रेशन यानी छानना। उसको छान करके हम लोग सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, चाय पत्ती अलग हो जाता है और आपका जो चाय है वो अलग हो जाता है। तो ये हो गया आपका फिल्ट्रेशन। अब है सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स। सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स कहने का मतलब है कि घुलनशील लिक्विड को अलग करना, कैसे दो सब्सटेंस जब एक साथ मिल जाए तो उसको कैसे अलग करेंगे वो जानना, उसके बारे में जानना है। तो उसको अलग करने का ये तरीका है, जैसे इवेपोरेशन डिस्टिलेशन, इसका मूल दो ही तरीका है।
तो आइए इवेपोरेशन के तरफ, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू टू वेपर फॉर्म बाय हीटिंग इट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट कॉल्ड इवेपोरेशन। इन दिस मेथड द मिक्सचर इज हीटेड, द लिक्विड पार्ट ऑफ द मिक्सचर इवेपोरेट्स लीविंग द सॉलिड पार्ट ऑफ बिहाइंड। कहता है इवेपोरेशन यानी वह प्रक्रिया है जिसमें अगर कोई आपका पानी के साथ कोई वस्तु मिल जाए, जैसे चीनी मिल गया या नमक मिल गया, तो हम उसको इवेपोरेशन मेथड से उसको अलग करेंगे। कैसे? उसको हम गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद क्या होगा, लिक्विड भाप बन के निकल जाएगा और जो उसका ठोस होगा, जो जैसे नमक हो गया अगर मिला हुआ है या चीनी, तो वो क्या होगा, नीचे आपका बच जाएगा। तो ये मेथड हो गया आपका इवेपोरेशन। अब आइए डिस्टिलेशन के तरफ कि डिस्टिलेशन है क्या, डिस्टिलाइजेशन सॉरी। तो टू कवर अ प्योर लिक्विड फ्रॉम ए मिक्सचर द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन इज यूज्ड। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सेशन इज अ लिक्विड इनटू वेपर बाय बॉइलिंग एंड देन कंडेंसिंग द वेपर इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन और डिस्टिलाइजेशन। अब कहता है कि डिस्टिलाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें दो वस्तु अगर एक साथ, ये दो सब्सटेंस अगर एक साथ मिल जाए तो उसको क्या करते हैं कि गर्म करते हैं, और गर्म करने पर वह भाप बनता है। भाप को क्या होता है कि उसको हम कुछ इंस्ट्रूमेंट के द्वारा उसको फिर उसमें उसको ठंडा करने की कोशिश करते हैं। जब वो ठंडा होता है तो फिर से वो पानी बन जाता है। तो ये प्रक्रिया हो गया आपका डिस्टिलाइजेशन। इससे इस प्रक्रिया में क्या हो गया कि आपका शुद्ध जो डिस्टिल होगा वो अलग हो जाएगा और जो उसमें मिला हुआ है वो अलग हो जाएगा। क्यों अलग हो जाएगा? क्योंकि वो जैसे पानी और चीनी अगर एक साथ मिला हुआ है तो हम क्या करेंगे कि उसको गर्म करेंगे, वो भाप बनेगा, भाप से को कंडेंसिंग करके संघनन करके फिर से हम उसको ये पानी को अलग कर लेंगे और नीचे आपका डिस्टिल बच जाएगा। तो इस मेथड से आपका डिस्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। अब आइए हम लोग चलते हैं सेपरेटिंग ऑफ ए मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स। जैसे अगर कोई दो लिक्विड एक साथ मिल गया हो तो उसको कैसे अलग करेंगे, तो इसमें पहले देखिए कि इसमें क्या है कि मिजिबल और इमिजिबल, यानी कोई ऐसा भी होता है जो लिक्विड, दो लिक्विड एक साथ मिल जाता है और कोई नहीं भी मिलता है। जैसे दूध और पानी को मिलाएंगे तो क्या होगा, मिल जाएगा, लेकिन यही डीजल पेट्रोल और पानी को मिलाएंगे तो एक साथ नहीं मिलता है। तो यही हो गया आपका मिजिबल और इमिजिबल। अब है सेपरेटिंग ऑफ मिजिबल लिक्विड, यानी जो मिलने योग्य लिक्विड है उसको हम कैसे अलग करेंगे उसके बारे में जानना है। सिमिलर टू सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन इज बेस्ट फॉर सेपरेटिंग ए सॉल्यूशन ऑफ टू मिजिबल लिक्विड। दिस मेथड टेक्स एडवांटेज ऑफ द डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द टू लिक्विड्स। फॉर एग्जाम्पल, एल्कोहल हैज ए लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन वाटर। When heated, it boils first. The vapor of alcohol rises through the condenser and get collected as distillate. The water with higher boiling point remains in the flask. अब देखिए इस मेथड में क्या कहता है, इस मेथड में कहता है कि सेपरेशन ऑफ मिजिबल लिक्विड, माने जो मिलने योग्य लिक्विड है उसको हम कैसे अलग करेंगे। जैसे मान लिया जाए कि एल्कोहल और पानी, एल्कोहल और पानी एक साथ मिल जाए तो दोनों को क्या करेंगे, हम उबालेंगे। तो एल्कोहल जो है जल्दी हीट होने वाला है, वो जल्दी गर्म हो जाएगा और पानी देर से गर्म होता है। तो दोनों जब मिला हुआ और जब हम उसको उबालेंगे तो क्या होगा, पहले एल्कोहल हीट होगा और वो भाप बनेगा, उसको हम कंडेंसिंग करके इसको संघनन करके अलग कर लेंगे। इस प्रक्रिया में क्या होगा कि आपका जो एल्कोहल है वो जल्दी अलग हो जाएगा और पानी बच जाएगा। तो इस तरह से आपका हो गया सेपरेशन ऑफ मिजिबल लिक्विड
अब हम आते हैं सेपरेशन ऑफ इमिजेबल, यानी जो नहीं मिलने वाले सब्सटेंस है, जैसे उसको हम कैसे अलग करेंगे? अगर दो लिक्विड जो आपस में नहीं मिल सकते हैं और उसको हम मिला दिए हैं, फिर उसको हम कैसे अलग करेंगे, इस मेथड को इसमें जानना है। टू सिमिलर इमिजेबल लिक्विड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इच अदर यूजिंग द सेपरेटिंग फ्यूनल बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ दियर अनइक्वल डेंसिटी। ऑयल एंड वाटर आर इमिजेबल लिक्विड्स। अब ये हम बताए हैं आपको कि पानी और तेल क्या है, कि अघुलनशील है, वो एक दूसरे से नहीं मिल सकते हैं। दे कैन बाई सेपरेटेड बाई यूजिंग ए सेपरेटिंग फ्यूनल, द मिक्सचर ऑफ इमिजेबल लिक्विड इज प्योरेट इन टू ए सेपरेटिंग फ्यूनल फिक्सड ऑन ए स्टैंड, द मिक्सचर इज लेफ्ट undisturbed for some time, the heavier liquid settled at the bottom, the stopper of open and the liquid at the lower layer is collected. As soon as that liquid is collected, the stopper is closed. The next liquid is collected in the other vessels. कहता है कि इस प्रक्रिया में क्या होता है, जैसे कि पानी और आपका तेल को मिला दे तो तेल वायल क्या है, हल्का है तो वो ऊपर रहेगा और पानी क्या है, नीचे है। अगर कोई दोनों को मिला देंगे तो तेल ऊपर हो जाएगा और पानी नीचे हो जाएगा। अगर हम कोई ऐसा कंटेनर जिसमें नीचे से एक छिद्र कर दे तो क्या होगा, पानी आराम से पहले नीचे निकल जाएगा और उसके बाद जब धीरे धीरे पानी को हम निकाल लेंगे नीचे से, तो फिर पानी नीचे जमेगा, तो उसको जब निकालेंगे तो आपका आपका ऑयल जो है बच जाएगा। तो इस प्रक्रिया में आपका हो गया कि इमिजेबल लिक्विड्स सेपरेटिंग का। अब आते हैं सेपरेशन यूजिंग मोर देन वन मेथड। अब एक से अधिक तरीका, जैसे कोई आपका मिक्सचर है उसको हम कैसे अलग करेंगे, उससे एक और भी कई तरीके हैं। जैसे टू सेपरेट ऑफ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग सैंड एंड कॉमन साल्ट। तो इसके बारे में जानना है कि आयरन का जो मिक्सचर है और उसमें बालू और नमक सब मिला हुआ है, तो उसको कैसे अलग करना है, इसके बारे में है। तो इसमें है फर्स्ट में रिमूवल ऑफ आयरन फिलिंग। अगर बालू चीनी बालू नमक और लोहा मिला हुआ है एक साथ, तो हम उसमें पहले लोहा को अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। सेपरेट द मिक्सचर ऑन ए पेपर एंड रोल ए पावरफुल हॉट शू मैग्नेट in it, scrap of iron filling from the magnet in a china dish, repeat the procedure until no iron filling are left in the mixture. अब कहता है कि ए जैसे बालू, अभी इसमें बालू लोहा और नमक का जो मिश्रण है उसको क्या करेंगे, एक पेपर पर डाल देंगे और डालने के बाद क्या करेंगे कि एक मैग्नेट लेकर के क्या करें, उस पर इस तरह से घुमा देंगे, क्या होगा, जितने भी आयरन का जो छोटा छोटा कण है वो बाहर आ जाएगा, चुंबक में सट जाएगा। तो यह प्रक्रिया तब तक करना है जब तक कि उसमें जितना भी आपका आयरन फिलिंग है वो उसमें सट ना जाए चुंबक से। तो इस तरह से ये प्रक्रिया हो गया मैग्नेटिक सेपरेशन का। अब है रिमूवल ऑफ सैंड। अब इस मिक्सचर में बालू को हम कैसे अलग करेंगे। Dissolve the mixture in water, the salt dissolve in it, but the sand does not. Filter the mixture, the sand is left on the filter paper, the clear common salt solution is collected as a filtrate, wash and dry and the sand. अब कहता है कि अगर बालू चीनी को और पानी को हम एक साथ मिलाएंगे तो क्या होगा, ये नमक या चीनी पानी में मिल जाएगा लेकिन बालू तो नहीं मिलेगा, तो थोड़ा देर उसको छोड़ करके क्या करेंगे, फिर उसको छान लेंगे, पानी को हम अलग कर लेंगे और बालू क्या हो जाएगा, लेफ्ट नीचे बच जाएगा। तो इस तरीका से आपका हो गया बालू निकालने का तरीका। अब आते तो ये प्रक्रिया आपका हो गया फिल्ट्रेशन का। अब है रिमूवल ऑफ साल्ट, ऑब्टेनिंग साल्ट फ्रॉम फिल्ट्रेट। अब जो है बच गया क्या,
घोल बच गया आपका नमक और पानी का, तो इसको कैसे अलग करना है। ट्रांसफर द फिल्ट्रेट इनटू ए बीकर एंड हीट इज ओवर वन सिप बर्नर इन अ फ्यू मिनट वाटर इवेपोरेट्स लीविंग बिहाइंड द कॉमन साल्ट। उसको वो नमक और पानी का जो घोल बच गया उसको क्या करेंगे हम लोग उबालेंगे। उबालने के बाद क्या होगा, पानी इवेपोरेट्स हो जाएगा और उसमें जो सैंड ये साल्ट है वो नीचे बच जाएगा। तो ये मेथड क्या होगा इवेपोरेशन का, और है सॉल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी मेथड। द सब्सटेंस दैट इज डिसॉल्व इज कॉल्ड सॉल्यूट एंड द सब्सटेंस इन विच सॉल्यूट इज डिसॉल्व इज कॉल्ड सॉल्वेंट एंड द रिजल्टिंग मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन। जैसे मान लिया जाए कि पानी चीनी को हम घोले, तो इसमें आपका यहाँ बताया गया है कि पानी क्या हो जाएगा, आपका पानी हो जाएगा सॉल्वेंट यानी घुलाने वाला, पानी घुलाने वाला हो जाएगा, और चीनी क्या हो जाएगा, चीनी आपका हो जाएगा सॉल्यूट यानी घुलने वाला। पानी हो गया घुलाने वाला और चीनी हो गया घुलने वाला, और दोनों मिलकर के क्या बना सॉल्यूशन यानी एक घोल तैयार हो गया। तो अब आते हैं सॉल्युबिलिटी के तरफ। डिफरेंट सब्सटेंस डिसॉल्व इन डिफरेंट एजेंट इन वाटर और एनी अदर सॉल्वेंट एट एनी गिवन टेम्परेचर। आपका द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन 100 डिग्री ऑफ द सॉल्वेंट एट एनी स्पेसिफिक टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। तो कहता है कि, तो आइए आप चलते हैं सॉल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी यानी घोल सॉल्यूशन यानी घोल और घुलनशीलता की तरफ। अब देखिए कहता है द सब्सटेंस दैट इज, तो बता दिए हैं सॉल्युबिलिटी के तरफ। डिफरेंस बिटवीन डिसॉल्व टू डिफरेंट एग्जिट इन वाटर आर एट एनी सॉल्वेंट एट एनी गिवन टेम्परेचर। अभी तो यहां देखिए कहता है कि जितने भी सब्सटेंस है उसका जो घुलने का ये है टेम्परेचर वो अलग अलग है, वो आपके बुक में यहां दिया गया है। अब हम चलते हैं वाटर अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट यानी पानी एक ऐसा घोलक है जो मतलब बहुत चीज को अपने में मिला लेता है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। वाटर कैन डिसोल्व ए लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस इन इट, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पानी अभी बताए हैं कि ऐसा सब्सटेंस है जो अपने अंदर बहुत सारे तत्व को मिला लेता है घुला लेता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। बट देयर आर सम सब्सटेंस विच डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर सच एज वायर, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो पानी के अंदर घुल नहीं सकते हैं मिल नहीं सकते हैं, जैसे वायर तेल पानी के साथ उसका मिलन नहीं होता है। अब देखिए कहता है सम ऑफ द क्रिशियल फंक्शन ऑफ वाटर आर एज क्लोज, यानी पानी के कुछ फंक्शन जो है वो है वाटर अलाउज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस सच एज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज ऑफ ए परमाउंट इंपॉर्टेंस टू मैग्रीन एनिमल्स as they are able to respire in water because it contains dissolved oxygen. They take in dissolved oxygen and accept carbon dioxide. कहता है कि पानी में जो है बहुत सारे गैस मिले हुए होते हैं, उसमें ऑक्सीजन भी है कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और जो ऑक्सीजन जो पानी में घुला हुआ है तो उसी ऑक्सीजन को लेकर के ही जो पानी वाले जलीय जीव है वो जीते हैं, सांस लेते हैं, और वो क्या करते हैं ऑक्सीजन लेते हैं पानी में, चूंकि ऑक्सीजन घुला हुआ है
तो सभी जीवों को ऑक्सीजन चाहिए, जलीय जीव भी उसमें शामिल हैं, तो वो ऑक्सीजन पानी में घुले हुए ऑक्सीजन को लेते हैं। जैसे आप मछली के बारे में जानते हैं कि वो गिल्स से क्या करता है, करती है कि वो सांस लेती है और ऑक्सीजन लेने के बाद जैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं, इस तरह से वो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ही छोड़ते हैं, इस तरह से उनका जीवन चलता है। अब है वाटर हेल्प्स इन द डिसोल्यूशन ऑफ मोस्ट आयोनिक कंपाउंड्स, एसिड बेस एंड कंपाउंड्स मेड ऑफ ए पोलर ग्लेशियस। वाटर हेल्प्स अस इन डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, लंग्स टेक्स अप वाइटल न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स एंड साल्ट फ्रॉम सॉइल थ्रू आउट वाटर। वाटर इज ऑल्सो यूज एज ए सॉल्वेंट टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट एंड अनवांटेड मटेरियल्स आउट ऑफ बॉडी थ्रू आउट स्वेटिंग एंड यूरिनेशन। अब देखिए कहता है कि पानी जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि जो हम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, हमारे भोजन के डाइजेशन के लिए पानी बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद है कि पौधा जो है, जितने भी पौधे हैं पेड़ पौधे, वो भी अपने भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं, सॉइल से वाटर लेते हैं, तो उनके जीवन के लिए भी पानी आवश्यक है। उसके बाद है कि हम लोग जो भी खाना पीना खाते हैं तो डाइजेशन के बाद जो उसका एक्जर्शन होता है, जो निकलता है, जैसे यूरिन के रूप में वेस्ट मटेरियल आपका स्टूल के रूप में भी निकल जाता है, तो ये सब क्यों होता है, ये सब इसलिए होता है क्योंकि पानी जो है उसको निकालने में मदद करता है। हमारे शरीर से आप जानते हैं हम कि यूरिन और स्वीट के रूप में भी लिक्विड निकलते रहता है, वेस्ट मटेरियल के रूप में स्टूल भी है जिसमें भी पानी की मात्रा होती है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि वाटर जो है एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट के है। तो आप भी, आप चूंकि पानी का यूज क्या क्या होता है ये आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ऐसे भी आप जानते भी हैं। इस तरह से क्या है आपका इस चैप्टर, ये चैप्टर अब समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि इस चैप्टर के बने हुए दोनों वीडियो को आप देख करके इस चैप्टर को अच्छा से समझेंगे और इसको कम से कम दो बार रीड करेंगे, इससे इस चैप्टर को की समझ आपको अच्छा से हो जाएगा। उसके बाद आपको 2 नवंबर से एग्जाम होने वाली है, एग्जाम की तैयारी में भी इस वीडियो को देखते हुए आपको मदद मिलेगी। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के लिए, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।